उत्तर प्रदेश के बदायूं में मानवता को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई है। बदायूं के उघैती इलाके के एक धर्म स्थल में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उसके साथ मारपीट की गई। उसकी चीखें धर्मस्थल में ही दफन हो गईं। कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। यह धर्मस्थल गांव के नज़दीक है। कुछ दूरी पर लोगों के घर भी बने हुए हैं। महिला के साथ हैवानियत करने के बाद दरिंदों ने उसे धर्मस्थल पर बने कुएं में फेंक दिया। महिला के साथ हुई हैवानियत की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी महंत सत्यनारायण को पुलिस अब भी तलाश रही है। थाना क्षेत्र में एक 50 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के संदर्भ में सेक्शन 376D और 302 IPC के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया था। इस मुकदमे में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और इसी प्रकरण में प्रारंभिक जांच में लापरवाही बरतने के दोषी पाए जाने के कारण तत्कालीन जो थाना प्रभारी हैं उन्हें निलंबित किया जा रहा है। मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए CM योगी आदित्यनाथ ने STF को आदेशित किया है। पुलिस के साथ STF भी मामले की जांच करेगी। साथ ही आरोपियों पर NSA के तहत कार्रवाई का आदेश दिया गया है। CM योगी ने कहा कि बदायूं की घटना अत्यंत निंदनीय है। अभियुक्तों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुख्य आरोपी पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई दरिंदों की हैवानियत। बीते रविवार की रात 50 वर्षीय महिला अपने गांव के मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी, जिसके बाद महिला का शव संदिग्ध हालत में मिला था। पुलिस ने जब इस मामले की जांच की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो गैंगरेप की पुष्टि हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महिला के गुप्तांग पर चोटें आई हैं और महिला के पैर में भी फ्रैक्चर पाया गया है। पुलिस ने इस मामले में गैंगरेप हत्या का मामला दर्ज किया है और 3 लोगों को नामजद किया है। पुलिस की ओर से इस मामले में एक्शन के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं। पुलिस पर लगा लापरवाही का आरोप। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में उघैती के थाना प्रभारी राघवेंद्र को सस्पेंड कर दिया गया है। अब तक कुल 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस को मुख्य आरोपी महंत सत्यनारायण की तलाश है। वहीं DM ने कहा है कि मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। महिला रविवार को शाम 6 बजे पूजा के लिए गई थी। जब 2-3 घंटे बाद वापस नहीं लौटी तो परिवार वाले थाने गए, लेकिन उन्हें पुलिस ने रात 11 बजे तक अटेंड ही नहीं किया। परिवार का कहना है कि आरोपियों ने दरवाजे की कुंडी खटखटा के डेड बॉडी फेंकी और भाग गए। परिवार का ये भी आरोप है कि पुलिस ने सुबह मामले को देखने की बात कही थी। इस वारदात के बाद से विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।